रामसर वेटलैंड पोंग झील में अभी तक 11 प्रजातियों के लगभग 16,000 विदेशी परिंदों ने ही दस्तक दी है। पोंग झील में हर साल सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, मध्य एशिया आदि देशों से पक्षी आते हैं। इन देशों में बर्फ पड़ने से वहां विचरने वाले पक्षी अनुकूल वातावरण के लिए मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। पोंग झील क्षेत्र में इनके लिए अनुकूल वातावरण व पसंदीदा भोज्य सामग्री उपलब्ध रहती है। इसी कारण करीब 256 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी लाखों की संख्या में यहां हर साल आते हैं। अक्टूबर से मार्च तक अपनी अटखेलियों से ये पंछी सैलानियों को भी आकर्षित करते हैं। अभी तक अनुमानित गणना के मुताबिक पोंग झील में वॉर हेडेड ग्रीज, ग्रे लेग गीज, नॉर्दर्न शावलर, नॉर्दर्न पिटेल, कॉमन पार्चर्ड, टेफ्टेड डक, रूडी शॉल डॉक, ब्लैक हेडेड गल, पालस गल व कॉमन टील प्रजातियों के लगभग 16,000 प्रवासी पक्षी झील में दस्तक दे चुके हैं। इस बार सर्दियां अभी शुरू ही हुई हैं। विभाग का मानना है कि जिस तरह भारी संख्या में प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है, उससे नवंबर अंत तक प्रवासी पक्षियों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा होने के आसार हैं। बीते साल पोंग झील में लगभग 1,30,000 प्रवासी पक्षियों ने दस्तक दी थी। मुख्य अरण्यपाल उत्तरी वन्य प्राणी विभाग धर्मशाला ओपी सोलंकी ने बताया कि पोंग झील में हर साल सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, मध्य एशिया व अन्य विदेशों से पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और उनकी विभाग हर सप्ताह मॉनिटरिंग भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर तक लगभग 16,000 के करीब विदेशी पक्षी यहां पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे इनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 1,23,000 से ज्यादा विदेशी पक्षी यहाँ पहुंचे थे। पोंग डैम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रामसर साइट के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। वन ऑफ द बेस्ट वेटलैंड इसको माना जाता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये एक हाइडल प्रोजेक्ट का रिजर्वायर है, तो इसलिए मैनमेड वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस वेटलैंड में हर साल सर्दियों में काफी माइग्रेटरी बर्ड्स सेंट्रल एशिया से होते हुए यहां आते हैं। जैसे आपको पता है कि यूरोप में जैसे जैसे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर नीचे डाउन होने लग जाता है, तो वहां से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं। इस साल हमने इन बर्ड्स की मॉनिटरिंग करने के लिए अपने स्टाफ से जो है वीकली रिपोर्ट हम ले रहे हैं कि कितने बर्ड्स किस वीक में आना शुरू हुए हैं। तो इसी रिपोर्ट के तहत अभी हमें जो है 14 तारीख तक, जो इस महीने की थी नवम्बर 14 तक, तकरीबन 15,000 से 16,000 वर्ड्स हमारे यहां पर आ चुके हैं। और जैसे जैसे यूरोप में और पूरे इसमें ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इनका तादाद आने की और ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां तक प्रश्न है, इनकी तादाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी में काफी होती है और इस दौरान हम इनका सेंसस भी करते हैं और हमारा यहां पर एक रिंगिंग प्रोग्राम भी होता है इन वर्ड्स के लिए, ताकि हम ये देख पाएं कि कितने दूर से ये वर्ड्स आते हैं और उसकी रिपोर्टिंग हमें डिफरेंट जगह से भी आती है। पिछले साल हमारे तकरीबन 1,27,000 से ऊपर वर्ड्स यहां पर रिपोर्ट किए हैं जिनका बकायदा सेंसिस करवाया गया था, तो ये हमारा एक रूटीन वर्क है जो इस साल भी होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर।